दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई। आज इस हाईकोर्ट की सुनवाई में दो महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। सबसे पहली बात, जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस गिरफ्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो ईडी जो पिछले 2 साल से इस केस की जांच कर रही है, वो ईडी जिसने सैकड़ों अफसर इस केस की जांच में लगाए हुए हैं, वो ईडी जो हजारों जगह रेड कर चुकी है, वो ईडी जो बार बार कोर्ट में आके कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए, आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और हाईकोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज ईडी ने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब ईडी वापस जाएगी, अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, कुछ गवाहों पे दबाव बनाएगी, उन पे प्रेशर बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे कि ईडी कोई भी झूठी सच्ची बात कोर्ट के सामने ला सके। तो आज ये पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाईकोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। आज जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई से निकल कर आई है, और वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 15 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि द कोर्ट इज फर्दर ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रेजेंट पिटिशन रेजेस सेवरल इश्यूज of legality and validity regarding the arrest and remand of the petitioner, Mr. Arvind Kejriwal. Additionally, we question whether the arrest may be politically motivated and malafide. Court aage badhke ye bhi kehta hai ki there are serious and critical questions before this court, and this court, being a constitutional court, must apply its mind to the motive behind the arrest, which is patently illegal and has a direct bearing on the democratic process of impending elections in the country. तो आज कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उसकी लीगैलिटी पे सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। ये बात आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही है और इस बात का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि इस देश के न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल हथियार ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, आज उस गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए। हम इस बात का भी स्वागत करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें उनको अपना जवाब दर्ज करना है। 2 तारीख तक उन्हें अपना जवाब दर्ज करना होगा, और हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 3 तारीख को